जय हिंद साथियों, जब हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो भारत में तीन नाम का सबसे ज्यादा चर्चा होता है, जिनको देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन साहब और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में ये तीन लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे देश की प्रगति के बारे में बात हो या तो देश की दुर्गति के बारे में बात हो। तो ये एक ऐतिहासिक वीडियो आप सभी के सामने है। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि इस विषय में एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपके सामने ये वीडियो हाजिर है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल का कार्यकाल और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको हाथ की कठपुतली कहा जाता था कांग्रेस का, उनके 10 साल का कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरा काम किया, पूरा डिटेल ना मैं ये बीजेपी की तरफ से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ से बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बना रहा हूँ कि मेरे नज़र में कौन सही है, कौन गलत है, किन्होंने क्या क्लैरिफाई मैं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो छूट जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें, बड़े बड़े जो काम होंगे उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। देखिए जी, पहला चीज़, पहले हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। वर्तमान प्रधानमंत्री की थोड़ी सी मैं अगर बायोडाटा आप लोगों को दूं तो पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म होता है। 72 वर्ष की वर्तमान इनको आयु हो चुकी है। आगे बात करें तो 6 बच्चे हैं इनके माता पिता के, जिनमें से ये तीसरे पुत्र थे। स्थान वडनगर, गुजरात के वडनगर में इनका जन्म होता है। पिता का नाम रहता है दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता का नाम हीराबेन मोदी। स्कूल की शिक्षा वडनगर में होती है, इनके ग्रेजुएशन स्नातक होती है गुजरात विश्वविद्यालय में। अब ग्रेजुएशन हुई है कि नहीं है इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन नहीं हूँ, ठीक है, आगे बात करते हैं। 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़े हैं। 13 वर्ष की आयु में यशोदा बिन चवनलाल से इनकी सगाई कर दी जाती है। पहले आपको पता है पुराने समय में सगाई वगैरह पहले हुआ करता था, आपका जो है मैच्योर होने से पहले, 18 वर्ष होने से पहले ही आप लोगों की सगाई हो जाती थी। अगला है कि 17 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है इन्हीं के साथ, यशोदा बेन चमनलाल के साथ। लेकिन इसके बाद की कहानी के बारे में बात करें तो इनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण और देश के लिए कुछ गुजरने का जज्बा लेकर के ये जो है अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि छोड़ करके हिमालय चले जाते हैं। हिमालय चले जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे तपस्या वगैरह करके वापस आते हैं। दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे, भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब। 1971 ईस्वी में पूर्णकालिक आरएसएस के कार्यकर्ता बन जाते हैं। पहले तो ऐसे ही जुड़े थे, अब जो है पूरा समय अपना आरएसएस को देना शुरू कर दिया 1971 से। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, और बीजेपी से ये जुड़ते हैं 1985 में। बीजेपी से जुड़ते हैं ये 1985 ईस्वी में। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। 2001 में गुजरात के ये 14वें मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको पता है कि गुजरात के सबसे प्रभावी मुख्यमंत्रियों में से एक है नरेंद्र मोदी साहब। 2001 से लेकर के 14 तक लगातार 4 बार गुजरात के सीएम बनते हैं। खैर 2014 में इनको बनने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस समय तक ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से नेतृत्व करते हैं, पूर्णतः बहुमत सरकार बनती है। बीजेपी के कई वर्षों के इंतजार के बाद 26 मई 2014 में शपथ लेकर के भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं। दोबारा से 2019 में लोकसभा में जीतते हैं, पहली के मुकाबले इस बार जो है और बड़ी जीत इनको मिलती है, और पहली से बड़ी जीत हासिल करके 330 सीट हासिल, पहले 282 ही हुआ था, अब 303 सीट हासिल करके 30 मई 2019 में पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मोदी साहब के बारे में। तीनों के बारे में देखिए, ये सब बातें आपको पता होंगी, लेकिन मैं सभी युवा पीढ़ी के वर्गों को समझाने के लिए एक एक करके तो थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन तो जानेंगे ही हम लोग। अब जानते हैं जिनको बोला जा रहा है, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, है ना, पता नहीं कब बनेंगे, इनके बारे में भी बात करते हैं। राहुल गांधी के भी देखिए, राहुल गांधी पहले क्या थे, वर्तमान में राहुल गांधी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। जिस तरह से राहुल गांधी 5 साल पहले जो हुआ करते थे और उनका समय में बदलाव आया है, जिस तरह से वो आज स्पीच दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी जन्म होता है 19 जून 1970, वर्तमान में 52 वर्ष के हो गए हैं। दिल्ली में इनका जन्म होता है, पता है पिता रहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, माता रहती है, माता है इनके कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दादी है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आप देख रहे हैं पिताजी है, दादी है, तो मम्मी क्यों नहीं है प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि किसी विदेशी मूल की महिला को भारत में प्रधानमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इन्होंने रास्ता अपनाया था किनके लिए, मनमोहन सिंह के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जी, बड़ा चतुर है ये लोग फैमिली।
प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से होता है इनकी पढ़ाई, इनिशियल पढ़ाई। उसके बाद जो है प्रसिद्ध दून विद्यालय जो देहरादून में स्थित है, जहां इनके पिताजी की भी पढ़ाई हुई थी और गांधी परिवार के मैक्सिमम लोगों की पढ़ाई यहीं पे हुई है, तो देहरादून चले जाते हैं 1981-83 में। चूंकि आपको पता है राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, पहले इंदिरा गांधी की, उसके बाद फिर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, तो सुरक्षा कारणों से कि अगला जो कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी है उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए सुरक्षा कारणों से इनकी पढ़ाई जो है घर में होती है 1981-83 में। 1994 में ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं, एमफिल वो करते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। 2004 ईस्वी में ये भारत आते हैं और राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस तो ये पैदा हुए तो उसी दिन जुड़ गए थे कांग्रेस में, लेकिन है ना, तो 2004 के प्रवेश से क्या ही फर्क पड़ता है। अब जान लेते हैं हमारे हाथों के कठपुतली कांग्रेस के, सोनिया गांधी के इशारों पर चलने वाले, है ना, व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे तो बहुत ज्ञानी इंसान, बहुत, आपको पता है कि भारत को, जब आपको पता है कि 1980 के दशक में क्या हुआ था, 1980-90 के दशक में क्या हुआ था, है ना, जब भारत का राशन मात्र 2 सप्ताह का बचा हुआ था, तब इन्होंने उदारीकरण ला करके ये जो है देश को बचाने वाला काम, यही व्यक्ति थे जिन्होंने देश को बचाया था। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ जाता है कि ये अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाए प्रधानमंत्री पद में रहते हुए। लेकिन जब हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करते हैं, आपको पता है भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, है ना, काफ़ी विद्वान रहते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहते हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत में होता है, एक गांव में होता है। 1948 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी करती है, उसके करते हैं, फिर ब्रिटेन में जा करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जा करके आगे की पढ़ाई करते हैं। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र की डीफिल की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाओं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति का आलोचना किया था, है ना, यानी कि जो हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं दूसरे कंट्री से, उनका इन्होंने आलोचना किया था। खैर, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जी, अब पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि वादे, ये जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, इन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र में वादा किया और क्या क्या कार्य पूरा हुआ। पहले बात करते हैं राहुल गांधी साहब के बारे में। ये तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं तब हम लोग डिसाइड कर पाते कि क्या क्या वादा किया था, लेकिन इन्होंने 2014 का जब इलेक्शन हुआ था उस समय अपने घोषणा पत्र में 2014 में लिखते हैं राहुल गांधी कि रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत मिलेंगी, सभी नागरिकों की सेहत का अधिकार को देखेंगे हम लोग, काला धन वापस लाने की योजना लाएंगे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, रोजगार ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टर्म है, रोजगार के बारे में यहाँ पे राहुल गांधी बात करते हैं, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर डाटा को बोल देते हैं तब रोजगार देना मजबूरी हो जाता है, और वही मोदी साहब इस क्षेत्र में थोड़े से पीछे है। देखिएगा, 10 लाख आबादी वाले शहर में हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, ये राहुल गांधी का कहना था। अब बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को पेंशन दिया जाएगा, यानी कि पूरे ये स्टेटमेंट में आप ये देख पा रहे हैं कि आम लोगों को, आम जिंदगी में जो बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को, हम और आप जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग से, हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिली को बेनिफिट देने वाले सारे टर्म्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे बात करें, रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत नहीं, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अगला है, हर राज्य में एम्स की स्थापना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एम्स बड़ा बड़ा बहुत बड़ा अस्पताल होता है, ठीक है, खर्चा भी है उसमें, ठीक है, चलो भाई एम्स ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काला धन वापस लाने के लिए टास्क फोर्स, गलत बात, ये कंप्लीट नहीं हुआ, काला धन हमारे देश में वापस नहीं आया, डिमोनेटाइजेशन आपने किया, देश में काला धन खत्म होने की जगह बढ़ गया है, आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, बहुत गलत काम किया, दुनिया का सबसे गलत कामों में से भारत में जो आपके द्वारा आपके शासन में सबसे खराब काम हुआ वो डिमोनेटाइजेशन, आप उसकी रणनीति थोड़ा सा सही करते, क्योंकि मैंने देखा है कि गांवों में क्या होता है, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो पेंशन पर डिपेंडेंट है, कोई भी बूढ़ी औरत इसके बेटे बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, वो पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अब पेंशन लेने के लिए मैंने देखा कि बूढ़ी महिलाएं लाइन पर लगी थी, और मुझे ये बहुत दुखद घटना था डिमोनेटाइजेशन का। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। 13 बार जब ये अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे थे, 13 बार रोजगार 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 इन्होंने बोला, लेकिन सिर्फ शब्द का प्रयोग किया, आंकड़े का कोई जिक्र नहीं। यहां से मोदी साहब एक कदम आगे निकल जा रहे हैं हम लोगों को ठगने के इरादे से, क्योंकि रोजगार का 13 बार जिक्र किया लेकिन रोजगार नाम का शब्द नहीं। कितना रोजगार, क्या आने वाला है रोजगार? आज अगर मैं बात करूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से, कोई नाखुश नहीं है, नाखुश सिर्फ भारत के युवा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है।
पिछले 8 साल में हमारा एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार इतना डाउन गया है ना, ये आज से पहले कभी नहीं गया था, ये सारे मोदी साहब की देन है। आगे देखिए, हर गांव में इंटरनेट जोड़ने का वादा था, चलो भाई ये बात तो पूरा हो गया। स्वर्णिम बुलेट ट्रेन की योजना कुछ राज्यों में आया, कुछ राज्यों में नहीं आया, कब आएगा पता नहीं। तो इसमें से कुछ वादे कंप्लीट नजर आते हैं। काला धन वाला शब्द तो एकदम गलत वादा रहा, रोजगार नाम का चीज़ यहाँ पे है नहीं, ये वाला चीज़ भी चलिए मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये अभी तक कुछ इनकम्प्लीट है लेकिन मान लेते हैं आपकी वादे कि आपने लगभग लगभग पूरे किए हैं। अब देखिए जी, बात करते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री मनमोहन का 2004 से लेकर के 14 तक का शासनकाल और प्रधानमंत्री मोदी के 2004 से लेकर के 2022 तक वर्तमान तक 8 वर्षों के शासनकाल में क्या क्या ऐसी खास बातें रही, क्या क्या बेनिफिट का चीजें किया इन्होंने आम जनता के लिए, कुछ बड़े काम के बारे में जिक्र करते हैं। पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें बोला गया कि हर बच्चे को 6 बरस से लेकर के 14 वर्ष का जो बच्चा है उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया, मैं इसका सम्मान करना चाहता हूँ। एजुकेशन के नाम पे आज के डेट में बात करें ना, वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। आप नहीं पढ़े लिखे, आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए, तो कम से कम भारत के युवाओं को तो पढ़ने दीजिए। दुनिया गवाह है, अमेरिका अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है तो 100% उसकी लिटरेसी रेट है, आप उसको बढ़ाने की बात कीजिए, लेकिन आपने तो वो किया नहीं है ना। आप हर उल्टा पुल्टा जगह पैसा नीरव मोदी को दे देंगे, आप अडानी को दे देंगे आप। देखिए यहाँ पे अगला मनरेगा, मनरेगा आपको पता है कि क्या है ना, जिसमें गांव में रूरल लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा लाया गया था 2006 में, यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, जहां पर 3 महीने के लिए कम से कम लोगों को रोजगार तो मिल रहा था गांव में, तो आम जनता इससे भी बेनिफिट हो रही थी, इससे भी बेनिफिट हो रहा था आम लोगों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये जो आप 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं जो आप लोगों को मिल रहा है ना, ये इनकी देन है, ये इस सरकार की देन है ना, इनके द्वारा नहीं दिया गया, इस सरकार की देन है। तो ये भी आम जनता इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है इन लोगों को। मिड डे मील कक्षा 5वीं से 8वीं किया गया, 5वीं कक्षा के बच्चे को ही पहले खाना दिया जाता था, मिड डे मील दिया जाता था, अब 8वीं तक कर दिया गया, ठीक है। आगे क्रूड ऑयल के महंगे होने पर भी पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी मिला। आपको याद होगा कि जब तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, कभी भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, लास्ट 51 रुपये तक हुआ था। तो वो क्यों हुआ था इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। देखिए, जब हम लोग राजनीति के बारे में बात करते हैं ना, तो पेट्रोल और डीजल दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं। जो सरकार पेट्रोल डीजल इतना इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल डीजल के कारण भी सरकार गिर सकती है, तो पेट्रोल डीजल पर पूरा उसके दामों पर कंट्रोल करके रखा हुआ था इन्होंने, इसके कारण बहुत बड़ा एक फ्रॉड केस भी हुआ इनके बारे में, वो भी बात करेंगे। आधार कार्ड, जो वर्तमान में पता है कि आधार कितना जरूरी हो गया, दुनिया का हर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है भारत का, है ना, तो आधार कार्ड की योजना का भी इन्होंने ही शिलान्यास किया था और महंगाई नियंत्रित थी। अब अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कुछ अच्छे काम अगर हुए, तो जनधन योजना, 0 रुपये में अकाउंट खोला, करोड़ों लोगों ने अपना अकाउंट खोला। डीमोनेटाइजेशन, जो अच्छा काम नहीं था। GST अच्छा काम नहीं है, व्यापारी परेशान है, डीमोनेटाइजेशन आम जनता परेशान हुआ। राम मंदिर बहुत बढ़िया काम, मैं ताली बजाना चाहूँगा, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का शिलान्यास होगा। मैं इनके लिए बहुत अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ, बहुत मुझे खुशी हुआ कि राम मंदिर की नींव आपने रखी। मुद्रा योजना, लोगों को इसके तहत लोन ऋण देने की, आम लोगों को ऋण देने के लिए इस योजना को लाया गया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस योजना का हर कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। ये मुद्रा योजना नाम का है, हर लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ मुद्रा योजना का सबसे बढ़िया कोई लाभ मुद्रा योजना उनके लिए लाना भी, अडानी अंबानी साहब है, गजब लोन दे देते हैं, बाबूजी का घर से जैसे निकाल के लाए हैं, हमारा और आपका टैक्स का पैसा जा रहा है अगले को, है ना, और इनको लगता है कि भैया अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं और हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। आवास योजना, इसका भी बेनिफिट सबको नहीं मिला है, आवास योजना का बेनिफिट भी सबको नहीं मिला है, यहाँ तक कि बीपीएल के भी कितने सारे लोग होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनको भी आवास योजना, आप मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे देख लेना, अभी लिख देंगे सारे लोग, आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिला। उज्ज्वला योजना, इन्होंने बहुत शानदार वीडियो बनाया, उज्ज्वला योजना, हमारी माता बहनें जो फूंक करके चूल्हा जलाती है उसके धुआं से कैंसर की तरह हमारा रोग होता है, हम लोग मान लिए,
तो इन्होंने उज्ज्वला योजना लाया, बहुत अच्छा बात है उज्ज्वला योजना, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा कर दिए सो नहीं, कहां से पैसा लाएगा। अरे कोयले का बोरा 100 रुपये में मिल जाता है, गैस सिलेंडर 100 रुपया में, तो 100 रुपये में जितना दिन चला लेगा, गैस से तो नहीं चलाएगा, तो क्यों कहे गैस सिलेंडर ला के क्या किया आप। अरे खाने को बचेगा ही नहीं तो आदमी तो कोयला से ही ना जलाएगा जी, कैसे लकड़ी से जलाएगा, कैसे गैस से जलाएगा, अगर आप महंगाई ही नियंत्रित नहीं रखेंगे, उल्टा खाना तो महंगा है ऊपर से गैस भी महंगा हो गया। आयुष्मान भारत योजना ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, मैं इसके लिए अप्रिशिएशन करना चाहता हूँ, इसका बेनिफिट मिलता है लोगों को। किसान सम्मान निधि योजना, अच्छा ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के साथ आपने क्या किया ये दुनिया जानती है। मनमोहन की सरकार अगर गिरी थी, पीएम मनमोहन की सरकार अगर गिरी थी तो अन्ना हजारे का 2011 में जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके कारण गिरा था। और इनकी जो सरकार गिर सकती है वो इस नीति के कारण। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग किसान हैं, आपने किसानों के साथ किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को कहा ये तो असली किसान है ही नहीं, दुनिया जानती है कि लाखों का किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर में जाकर के खड़ा था, कई महीनों तक प्रयास किया, तब जाकर के वापस से आपने 2 सेकंड में इस कानून को लाया और कृषि बिल को वापस भी ले लिया। 3 महीना लोग खटे, कैंप बना के रहे, कितने लोग मरे आपको अंदाजा भी नहीं है, वो गुस्सा कभी शांत नहीं होने वाला। और इसका 100% हम बता रहे कि जो चुनाव में आपको जिस तरह का बेनिफिट मिला अब नहीं मिलने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। इसके अलावा कुछ अगर बहुत अच्छे काम रहे, आर्टिकल 370 नॉर्मल लोगों की बस में बस की बात नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 चीज़ें बोली थी कि आर्टिकल 370 को हम हटाएंगे, राम मंदिर को हम बनाएंगे, दोनों ही बात उनकी पूरी हुई। उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी तब करेंगे, करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है, सही बात है कि पहले हम लोग डरते थे लेकिन आज के डेट में हमारा जो आर्म्स है, हमारा जो फोर्स है वो बहुत मजबूत हुआ है। आगे बात करते हैं एयर स्ट्राइक, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, ये सब सारे काम बहुत अच्छे रहे। देखिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करूंगा, सिंपल सा बात है, ना पक्ष ना विपक्ष, जो आप सही है आपको परिणाम मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, आप गलत है आपको आलोचना मिलेगा। अगला पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल का रेट कांस्टेंट क्यों था, क्यों पेट्रोल का दाम कम हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, पेट्रोल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, जब 36 से 37 रुपये पेट्रोल हुआ करता था और डीजल मात्र 24 से 25 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, तेल इतना सस्ता था क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देता था। अरे सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मान लो कि 30 रुपये पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो उसमें से 25 ही रुपये आपको देना होता था और कुछ पैसा सरकार जो है सब्सिडी दिया करती थी। सब्सिडी यानी कि पेट्रोल का जो मूल कीमत है उससे कुछ अमाउंट सरकार अपने तरफ से पे किया करती थी, उसी को सब्सिडी बोलते हैं। जो वर्तमान समय में सब्सिडी खत्म हो गई 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो यहां पर क्या होता था ना कि ये तेल का टैक्स दे दिया करते थे, है ना, लेकिन ये जो तेल का जो सब्सिडी दिया करते थे मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो सब्सिडी दिया करते थे वो कैश में दिया करते थे। उन्होंने देखा कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने इसे करके गुजरते गुजरते 1 साल 2 साल गुजरा, जब इतना समय गुजरा तब वो देख रहे थे कि समय के साथ हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रति महीना पेट्रोल का सब्सिडी का प्राइस देने में हम लोगों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो एक नया चीज लाए थे, एक नया टर्म लाए थे, उसका था ऑयल बॉय। पेट्रोल कंपनियों को मनमोहन सिंह साहब बोलते हैं कि देखिए साहब, हर महीने आप क्या कुछ कुछ खुचरा पैसा ले रहे हैं, आप एक ही बार मोटा पैसा लीजिए, तो 5 साल 10 साल इस तरह करके एक ऑयल बॉन्ड बनाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक टाइम के बाद आप ब्याज सहित अपना पैसा ले लीजिए सब्सिडी वाला। यानी कि अब क्या हुआ, जो नगद कैश दिया जाता था सब्सिडी पे उसको जो एक ऑयल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया 5-10 एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कोई फिक्स नहीं होता था ये, है ना, वो जैसे मैं बात हो जाता, जैसे मैं और बात आप बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे कर्जा ले रहे हैं, मैं बोलूं कि 2 साल के लिए, आप बोले नहीं 2 साल के लिए नहीं देंगे, 1 साल के लिए देंगे, 1.5 साल के लिए, तो ये ऑयल कंपनियों के साथ सरकार की बात होती थी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये ऑयल बॉन्ड बना, ऑयल बॉन्ड के तहत ये था कि नॉर्मल जो पेट्रोल का प्राइस है उस पर जो सब्सिडी सरकार वर्तमान में दे रही है वो सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद जो पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद जो भी सब्सिडी का अमाउंट हो रहा है वो ब्याज सहित, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपको 5 साल के बाद सरकार एक बार में एक मुट्ठी पैसा देने का काम करेगी। ये जो है जितना भी ऑयल कंपनी था खुश हो गया कि कौन महीना महीना लेगा छोटा मोटा अमाउंट, एक ही बार लेंगे सालों का अमाउंट, करोड़ों रुपए खरबों रुपए लेंगे हम, है ना। देखिए आपको पता है कि 2008 में वैश्विक स्तर पे मंदी आ गया, रिसेशन आ गया, तो मंदी आने के कारण क्या हुआ कि सबका व्यापार ठप हो गया, सबका पैसा खत्म हो गया, ऑयल कंपनी लॉस पर जाने लगी। अब ऑयल कंपनी सरकार से बोलती है कि देखिए ऑयल बॉन्ड तो बहुत समय लगेगा पूरा होने में, आप हमको कुछ पैसा दीजिए,
नहीं तो हम तेल नहीं दे सकते, क्योंकि ऑयल बॉन्ड तो पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको पैसा मिलेगा। अभी हमको जरूरत है, हम तेल निकालेंगे कैसे? तेल निकाल ही नहीं पाएंगे तो बेचेंगे कैसे? तो आपको ऑयल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और आपको पैसा देना होगा। अब सरकार की मजबूरी थी भाई, क्योंकि पैसा अगर नहीं दोगे तो पेट्रोल देने वाला है नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि विश्व बैंक से उधार लेकर के, कर्जा लेकर के, क्रूड ऑयल महंगा हो गया था इस वैश्विक स्तर पर, इसलिए ऑयल कंपनीज को उन्होंने कर्जा लेकर के पैसा दिया, कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा बाकी रहा। तो वो जो पैसा बाकी रहा वो था 1.3 लाख करोड़, और वो जो कर्ज है वो आज के डेट में बीजेपी के ऊपर है। ये कर्जा, ये सबसे बड़ा घोटाला, देखिए इसको घोटाला भी कहेंगे और एक तरफ से आप आम जनता के बेनिफिट में काम भी बोलेंगे, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं दोनों तरफ। तो 1.3 लाख, देखो इससे ज्यादा बीजेपी कमा चुकी है सब्सिडी ना देकर के, वो भी मैं बताऊंगा कि 1.3 लाख करोड़ का घोटाला कुछ नहीं, इससे बड़ा घोटाला करके बैठे हुए, और वो पैसा सरकार जो है दे चुकी है अन्य उद्योगपतियों को, वर्तमान की सरकार, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब दिमाग में बस रखिए रखिए, आगे देखिए पेट्रोल। इसके बाद क्या होता है जी, पेट्रोल 40 रुपया प्रति लीटर 2009 में होता है, 2010 में पेट्रोल की सब्सिडी खत्म कर दी जाती है। देखो 2004 से लेकर के 2010 तक 5 से 5.5 साल 6 साल सरकार पेट्रोल पे सब्सिडी देता है, और अब पेट्रोल पे सब्सिडी देना बंद कर देता है। ऑयल बॉन्ड यानी कि जो सब्सिडी मिल रहा था पेट्रोल पे नहीं दिया जाता है, ओनली डीजल पर दिया जाता है पेट्रोल पे अब, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अब देखिए 2013 से 14 में जब ये सब्सिडी खत्म होता है तब पेट्रोल 73 रुपये लीटर हो जाता है, डीजल मात्र 51 रुपये लीटर। आप देख रहे हैं कि इतना गैप है। आज अगर डीजल में गैप देखेंगे, डीजल पेट्रोल में, तो 10 रुपये का अंतर होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हुआ हो जा रहा है, क्योंकि सरकार सब्सिडी अभी डीजल पर दे रहा है। परिणाम इसका ये रहता है कि मैंने बताया 1.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बीजेपी के ऊपर ये सरकार छोड़ करके चली जाती है, लेकिन इससे ज्यादा बीजेपी कमा चुकी है, वो कैसे मैं बताऊंगा। आगे देखिए 2014 में नई सरकार बनती है, पेट्रोल डीजल पे पूरे तरह से सब्सिडी खत्म, आम जनता त्राहिमाम मच चुका है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 95-90 रुपये डीजल, कुछ जगह राज्यों में तो 100 पार कर चुका है। तो इस तरह करके जब नई सरकार बनती है, पेट्रोल डीजल दोनों ही जगह से सब्सिडी पूरी तरह से खत्म हो गया, ऑयल बॉन्ड पूरी तरह से खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाया, सब्सिडी तो खत्म किया, एक्साइज ड्यूटी मतलब हमारे देश में तुम पेट्रोल बेच रहे हो हमारे लोगों को, तो अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा बेचने के लिए। ऊपर से पहली बात तो ये तोड़ा ही तोड़ा, क्या बोलते हैं, सब्सिडी खत्म किया ही किया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया, और पेट्रोल जो है 9 रुपये 20 पैसा जहाँ पे लगता था एक्स्ट्रा दिया करता था सब्सिडी, या तो एक्साइज ड्यूटी जो 9 रुपये 20 पैसा पहले लगता था अब 27 रुपये लगने लगा। डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी 3.46 रुपीज़ था उसके जगह 21.80 रुपये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि वर्तमान में हमारी जो सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी से 8 लाख करोड़ की कमाई कर चुकी है। ये वर्तमान के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कथन है। तो इन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है, तो हम लोग जो 1.3 लाख करोड़ का कर्जा जो हम लोग चुका है, आप तो 8 लाख करोड़ कमा चुके हैं, तो 8 लाख करोड़ जो कमा चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप हमको अपना पैसा, ये जो मेरा कर्ज है क्योंकि कहीं ना कहीं देश के जनता पे लगा हुआ है, तो आप इस कर्जे का भुगतान कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग कमा चुके हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, देखिए फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दोनों में तुलना करते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन और प्रधानमंत्री मोदी में तुलना करते हैं कि क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस रहा, क्या इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, क्या इनकी सरकार में बेनिफिट्स रहे। देखिए जी समझिए, जब मनमोहन की सरकार थी तो एक दिन में 11.7 किलोमीटर पर डे सड़क बनता था, वर्तमान में बात करें तो 2014-19 तक 27 किलोमीटर सीधा सड़क बनने लगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन हुआ। 2020 से अभी प्रेजेंट की बात करें तो एक दिन में 37 किलोमीटर रोड्स बनने का काम हो रहा है। तो रोड आपको पता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद रोड बहुत अच्छे हो गए, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं, रूरल एरिया 56% कनेक्टेड था नेशनल हाईवे से उस समय, आज के डेट में रूरल एरिया जो है, ग्रामीण क्षेत्र है, 88% नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट हो चुका है। रेलवे लाइन का विस्तार अगर बात करें 2.3 लाख करोड़ था उस समय, लेकिन आज अगर रेलवे ग्रोथ की बात करें तो 3.82 लाख करोड़ हो गया। इनके समय में जो डिलेड प्रोजेक्ट था, बाद में करेंगे, वो वाला प्रोजेक्ट 1/3 था यानी कि 0.3%, और यहाँ पे डिलेड प्रोजेक्ट कितना हो गया 1/4 यानी कि 0.25%। ठीक है, 1/4 था, ये 1/3 था, ठीक है, डिलेड प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे बात करेंगे, इनके समय में 15% वेपन्स हम लोग इम्पोर्ट करते थे, है ना, लेकिन आज के डेट में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर हो गए, यानी कि हथियार को खरीदने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा देश हम लोग है, भारत है। आगे बात करते हैं, रशिया उस समय तक 76% वेपन्स क्या करता था, हम लोग उस समय तक इम्पोर्ट करते थे, आज के डेट में अगर बात करें कि रशिया से हम लोग मात्र 56% ही इम्पोर्ट करते हैं।
आप एक तरफ बोल रहे हैं कि अभी आपको लगेगा कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला आदमी हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो मात्र रशिया से पहले की तुलना में कम हथियार खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए, हथियार बनाना शुरू कर दिए, इसीलिए खरीदते कम है। अगर हम बात करें इसके बाद, फ्रांस से हम लोग राफेल खरीद चुके हैं, लेकिन इस है ना राफेल जो डील था उसमें भी हम लोग पार्टनरशिप कर चुके हैं, लेकिन 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 ये राफेल में बहुत बड़ा घोटाला है। 50,000 करोड़ का इस पे स्कैम का दावा किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, और इसमें ईडी के जांच होना संभव हो सकते हैं भविष्य में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें, ये दोनों सरकार में भ्रष्टाचार कौन ज़्यादा करते हैं तो समझिए, यहाँ पे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पहला घोटाला था इनका 2G स्पेक्ट्रम में, अगला था कोयला आवंटन घोटाला, अगला था ऑयल बॉन्ड स्कैम जिसको मैं घोटाला नहीं मानता, अगला मनरेगा स्कैम क्योंकि लोगों को जितना रोजगार देने की बात थी मनरेगा के तहत उतने लोगों को नहीं मिला था। आगे एंटी करप्शन मूवमेंट, 2011 में मैंने बताया कि अन्ना का जो एंटी करप्शन मूवमेंट है जिसने कांग्रेस की सरकार क्या की थी, तोड़ी थी। इधर अगर हम बात करें, ये कुछ इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। देखिए सरकार बहुत पुरानी हो चुकी थी तो इसके डिटेल भी गूगल आप करोगे ना तो डिटेल ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा डिटेल जो है समय के साथ जो है गायब हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे और सारे कई बड़े घोटाले थे जिसमें से मैंने, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। देखिए जी, अगर हम बात करें बीजेपी के शासनकाल में क्या क्या सबसे बड़ा घोटाला हुआ, पहला किसानों को इन्होंने वादा किया था कि MSP बढ़ाने का वादा किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP जो है इसको बढ़ाने का वादा किया, लेकिन किसानों के साथ क्या दुर्दशा हुई आपको पता है बहुत अच्छे से। आगे किसान आंदोलन में किसानों के खालिस्तानी कहा, यह भी दूसरा सबसे बड़ी गलती रही, भ्रष्टाचार के ही में ही आएगा ये। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा आज के डेट में बेरोजगारी है, मैंने बताया है, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं कर रही है सरकार। सरकार सब कुछ कर रही है, बस बेरोजगार दे दे, इस सरकार से बेहतरीन सरकार आज तक नहीं आया था। लेकिन रोजगार अगर नहीं दोगे तो सबसे बुरी सरकारों में से एक होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा, ये भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का रोल अदा करेगा। महंगाई सबसे ज़्यादा, पेट्रोल ज़्यादा, डीजल ज़्यादा, गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा, ऑयल ज़्यादा, दाल की कीमतें ज़्यादा, हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ में महंगाई आ चुकी है आज के डेट में। सरकार क्या कर रही है, नियुक्तियाँ कम कर रही है। पहले जो वैकेंसीज आया करते थे, जिस तरह के वैकेंसीज आया करते थे, आज के डेट में वैसा वैकेंसी नहीं आता है। आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई 2022 तक में इसकी नियुक्तियाँ पूरी नहीं हुई, अभी तक इसकी नियुक्तियाँ पूरी नहीं हुई। तो बताइए कि 5-5 साल में एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो क्या करेगा युवा की उम्र बढ़ रही है, एज रिलैक्सेशन तो आपने कोविड में दिया, जो 2011 में जो लड़का 19 में जो लड़का तैयार था और उसको 2022 में जाकर के आप परीक्षा लिया है तो उसका एज, मान लो कि यहाँ पे 2019 में कोई लड़का 32 साल का था और फॉर्म भर दिया तो अगले को क्या होगा, दिक्कत होगा ना जी। आगे बात करते हैं राफेल में स्कैम, यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला था, पूंजीपतियों को ऋण देना। हम और आप अगर सरकार से 50,000 रुपया लोन ले लेंगे ना, 1,00,000 रुपया लोन ले लेंगे, ये सरकार हमारा गला दबा देगी, परेशान कर देगी, जीना मुश्किल कर देगी फोन कर करके। लेकिन लाखों करोड़ों हम और आप जो टैक्स भरते हैं, हमारा भारत का इकोनॉमी खराब कैसे है, सारा तो उधारे दे के बैठे हुए हैं। तो इतना कर्जा दी है अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, फिर आपका वो RCB का क्या था वो कोच का नाम, विजय माल्या, ये लोग क्या करता है पैसा लेकर के विदेश ब्रिटेन चला जाता है, स्विस बैंक में पैसा रख देता है, आप उसको पकड़ते रहिए, देश छोड़ दिया, अगले देश की नागरिकता ले लिया, देश का पैसा हमेशा के लिए स्वाहा। अरे इतना बड़ा कर्जा लेने से देने से पहले किससे परमिशन लेते हैं आप, जो मन करता है करते हैं। इतना बड़ा देश में घोटाला चल रहा है, इतने पूंजीपतियों को ऋण देना, ये इस सरकार के सबसे बुरा काम रहा, सबसे घटिया काम रहा है। PNB घोटाला, NPA का मामला 9,00,000 करोड़ का मैंने बताया, वही NPA का मामला जो नीरव मोदी या तो फिर विजय माल्या है ना ये सब लोग फरार हो गए तो 9,00,000 करोड़ का इससे घोटाला पहले से देश में चल रहा है। अडानी को करोड़ों की लोन दे दी, अडानी इनका पता नहीं साड़ू है ना कौन है ना, करोड़ों रुपए का लोन दे करके बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं जी, अब देखिए वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा, हम और आप जब बातचीत करते हैं तो एक टंग स्लिप करके एक टर्म आता है, हम और आप बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलत बोल जाए, 2004 को 2009 बोल दे, ऐसा टंग स्लिप का केस बहुत बार आता है। तो BJP के एंटी सेल और राहुल गांधी की भी जो एंटी सेल है, दोनों मिलकर के क्या करते हैं ना, प्रधानमंत्री के कुछ मीम्स ऐसे होते हैं जिसको अपने हिसाब से बना करके वीडियो चलाते हैं, और बीजेपी के जो सेल है साइबर सेल है वो राहुल गांधी के कुछ वीडियोस को
मीम्स बना करके, उनके जो टंग स्लिप को लेकर के वो कुछ वीडियोस बनाते हैं और उसको हम लोग शेयर करते रहते हैं। हम और आप समझिए, टंग स्लिप किसी से भी हो सकती है। राहुल गांधी 2014 में जो थे, वर्तमान में वो नहीं है, इनको मौका मिलना चाहिए। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें, 1947 से हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ होती जा रही है, इसके नाम पे राजनीति हो रही है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान कब तक करते रहोगे? हम लोग कहते हैं, आपको भी पता है कि हम जब अपना हाथ काटेंगे तो किसी मुसलमान भाई का हाथ कटेगा तो दोनों ही लाल रंग का खून निकलेगा, दोनों का रक्त लाल निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों जो है कोई जरूरी है। देखो, मुसलमान में भी कुछ गलत लोग होते हैं, हिंदुओं में भी कुछ गलत लोग होते हैं, ये बात अलग है। ये देश को आज़ादी दोनों को, दोनों के सपोर्ट से हुई थी, दोनों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो देश का राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान मैं बोलता हूँ कि कुछ बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ खराब भी है। ये राजनीति हमेशा चलते रहेगी तो हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे आप? मैं देख रहा हूँ आज के डेट में हमारा देश टूट रहा है, एक दूसरे से बरगलाने के काम हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब आपस में ही लड़ करके फिर से एक नए देश का बंटवारा होगा। हमारे देश को टूटने की लड़ाई आज के डेट में चल रही है, हर एक बात में, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसी चीज़ में हम लोग उलझे हुए हैं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं, इंसान देख करके वोट दीजिए आप। आप इसमें अगर जब आंदोलन होगा, जब लड़ाई होगा, जब मारपीट और विरोध होता है ना, जब गला काटा जाता है ना लोगों का, तो मेरा और आपका परिवार का नुकसान होगा। वो केंद्र में बैठे हुए सरकार का कुछ नहीं होने वाला है, उसका बेटा आराम से इसी के रूम में बैठा हुआ रहेगा। लेकिन जब लड़ाई होगी ना आम लोगों के घरों में, तो आम लोगों का, मेरा और आपका जो है बच्चा, आपका भाई, आपका पति, आपका परिवार के लोग, इन लोगों की जान जाती है। सरकार तो मस्त रहेगी, आप एक दूसरे में लड़के मर जाओ ना, लड़वाना ही तो चाहती है सरकार, ताकि जरूरी मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जाए। तो मेरे दोस्तों, आप ये सब चीज़ों में प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। 2014 में जो राहुल गांधी थे, 2014 में राहुल गांधी का जो छवि था, आज के डेट में मैं राहुल गांधी की अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ। जिस तरह से 3400 किलोमीटर, ये जो है 3400+ किलोमीटर पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं, ये देश को जोड़ने का काम, आप देखो पॉपुलैरिटी, आप देखो भीड़, मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ इनका। ये दिखावा कर रहे हैं कि छलावा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ये कारनामा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा। वर्तमान समय में जिस तरह से बात करते हैं, मैंने हमेशा इनके इंटरव्यूज को आप गौर से सुनना, आपको एक चीज़ मिलेगा, ये देश के जरूरी मुद्दों के बारे में बात करते हैं। अरे ये रोजगार के बारे में बात करते हैं, सरकार को फायदा नहीं होगा, हमको और आपको फायदा होगा। ये महंगाई के बारे में बात करते हैं, सरकार को फायदा नहीं होगा, हमको और आपको फायदा होगा। तो क्यों इनका विरोध करते हैं? मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा, ना मोदी का, ना राहुल गांधी का, किसी का नहीं। देखिए सिंपल सा बात है, ये मेरे काम के बारे में बात कर रहा है तो ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, मेरे बारे में काम के बारे में बात नहीं करेगा तो ये इंसान मेरे लिए बुरा है, कॉमन सेंस की बात है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये इंसान हो सकता है कि जो 2014 में ये इंसान था, आज के डेट में वो इंसान नहीं है, चेंजेस आया है इसमें। कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ मैं, मुझे कैसा लगा। आप अगर मेरी तरह सोच देखते हैं तो सही है, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, ये मेरी सोच है पर्सनल। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं, मेरे लिए ना मुझे इनसे कोई बेनिफिट होने वाला है, ना मुझे इनसे कोई बेनिफिट होने वाला है, और ना ही मेरा इनसे कोई बेनिफिट होने वाला है। मैं बस इतना जानता हूं, जो सरकार आम जनता के लिए काम करती है, जो जनता सरकार रोजगार के लिए काम करती है, वही सरकार मेरी नज़र में अच्छा है। ये पूरा डिटेल में मैंने आपके सामने इन सरकार के करतूतों को पेश करने का काम किया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आप जरूर नीचे लिखें। इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स क्या होंगे उसको तो मैं अनदेखा करूंगा। आप बस इतना समझिए, मैं आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई अगर इन जानकारियों में कोई अगर त्रुटियाँ हुई होगी, गलती हुई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये सभी इंटरनेट में अवेलेबल सोर्सेज हैं जो आप और हम जानते हैं, उसको मैंने डिटेल में रीड किया, आपके सामने पेश किया। कुछ अगर सही चीज़ें निकले तो थम्स अप कर देना, कुछ अच्छे कमेंट्स लिखना, कुछ बुरी चीज़ें अगर आपको लग जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, आम जनता के लिए काम करे। बस हमारा देश जूझ रहा है, हमारा देश कभी विश्वगुरु हुआ करता था, हमारा देश उस पहचान के लिए जूझ रहा है, उस पहचान को दिलाइए आप। रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, हमारी एकदम गरीबी हमारी बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चली गई है। तो ये सब सारा चीज़ें बहुत, हमारा भारत देश में एक मिडिल क्लास फैमिली को, जब मैं रोड में रास्ते में चलता हूँ और गरीबों को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। तो मैंने इसीलिए एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होंगी, इसी तरह के वीडियोस को हम लोग बनाते रहेंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।